पंजाब में जहां एक तरफ कोरोना की कहर से हाहाकार मची हुई है, वहीं पुलिस की ढिलमुख कार्य प्रणाली के चलते लुटेरों के हौसले बुलंद है और रोज दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के सामने खुली चुनौती पेश कर रहे हैं। मंगलवार को भी महानगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव नंगली भट्टा में एक रिकवरी एजेंट जब लोन की किश्त लेने गया तो कुछ लोगों ने उसका हाथ कलाई से अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि ये वारदात लूट की नीयत से निहंगों के भेष में आए लोगों ने की है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक का नाम आनंद कुमार बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए निहंग सिंहों ने रिकवरी कर रहे युवक के साथ लूट की वारदात करने की कोशिश की। इसी घटना में रिकवरी एजेंट का तेजधार हथियार से हाथ काट दिया गया। हालांकि यह जांच का विषय है कि घटना को अंजाम देने वाले लोग निहंग सिंह थे या उनकी वेशभूषा धारण किए कोई और। फिलहाल पुलिस ने घटना का जायजा लेने के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट जनहितेशी न्यूज।